डियर फ्रेंड्स नमस्ते। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 11। बट हियर द टॉपिक इज रिविजिटिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ इंट्रोड्यूस होती है? इट इज इंट्रोड्यूस इन क्लास 10। आपने 10th में किया था। CBSE has rationalized the portion, a number of things have been removed from there. लेकिन अगर आप JEE का सिलेबस देखेंगे या क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। हम इसलिए इस टॉपिक को I am starting from class 10. Even in class 10, if you are unable to do justice with the topic, so we'll take a bird eye view. हम इसको और थोड़ा जल्दी से निकल जाएंगे। हाँ, in case of any difficulty, you can write an in comment box. We'll try our best to reply all the valid questions. So the very first thing. भाई वाई ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का देखिए हमने आपको बताया है इस वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। इन्होंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द टेक्निकली एडवांस्ड मेथड्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। भाई सब मिला के तो यही हो रहा है, वो देखना है ना, इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेस ही तो है, क्योंकि जहां की साइंस और फिजिकल साइंस ये जितनी अधिक डेवलप होगी वहां की टेक्नोलॉजी उतनी अधिक डेवलप होगी, और अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी उसी हिसाब से ऊपर उठता चला जाएगा। एक विजडम बॉक्स करके हम बार बार देते रहेंगे आपको, ये वो है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा या हम कुछ बता देंगे। सो आई एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है उसके पेज नंबर 116 में रीड अबाउट आर्यभट्टा, कि हाँ वो साइन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कोसाइन कॉन्सेप्ट कहां से आया, दैट इज फॉर यू। नाउ स्ट्रेट वे विल कम टू द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि देयर आर थ्री वर्ड्स, दैट इज ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ग्रीक में होता है ट्राइंग मतलब तीन, गॉन मतलब साइड एंड मेजर, एंड हेंस इट इज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, सब मिला के छह ही तो उसके एलिमेंट होते हैं, तीन साइड और तीन एंगल, तो उनके बीच का जो रिलेशन हम स्टडी करेंगे, सो दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। Now we are going to take trigonometric ratios. अब देखिए रेशियो तो आपने पढ़ाई है, रेशियो क्या होता है, आप लिखते हैं कि साहब 3/4, 2/5 वगैरह वगैरह आप लिखते हैं। Since we are dealing with a triangle, so there are only three sides. At present we are taking right angle triangle के बारे में जानकारी होगी आपको, आपने पढ़ा होगा right angle triangle में ये right angle है, और अगर ये एंगल ए को आप कंसिडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, द साइड अपोजिट टू एंगल टेकन टू कंसिडरेशन इज टेकन एज परपेंडिकुलर, एंड द साइड इंक्लूडेड बाय द एंगल टेकन टू कंसिडरेशन एंड 90 डिग्री इज द बेस। ये आपने पहले से पढ़ा है कि भाई इसको बेस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। एक चीज और आपने इसमें पढ़ा है जो हमने यहाँ विजडम बॉक्स में देकर रखा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आपने कहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बस अभी आपको इतना ही जानकारी चाहिए और इसी का यूज होगा। जैसे जैसे आपको हम सब्जेक्ट डेवलप करेंगे वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कैसे क्या करते हैं। सो ये दो चीजें याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है और ये पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आपने ये पहले से पढ़ा है, हम यहां लिख दे रहे हैं
ये वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आपने पहले से पढ़ा है, सॉरी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमने से पहले से देख लिया किसका है, पाइथागोरस थ्योरम। अब जो हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखिए बेसिकली छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बेसिकली वो एस आई एन ई ऑफ एंगल ए है, हमने अपने सुविधा के लिए उसको साइन ए की जगह पर साइन थीटा कह दिया। इसी तरह से जो दूसरा होता है वो कोसाइन है, लेकिन एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब छोटे फॉर्म में हम क्या लिखते हैं उसको कॉस लिखते हैं। उसके बाद हम कहते हैं टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए यानी टेंजेंट ए, और यहां हम बोलते हैं कि वो टेन थीटा हमने सुविधा के लिए ले लिया। इसी तरह से को सेकेंड, सेकेंड एंड को टेंजेंट, लेकिन सबको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेकेंड कॉट रेस्पेक्टिवली, ये हम बोलते हैं उनको शॉर्ट में। अब उनकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, क्या होता है, क्या कंसिडर किया गया है, तो हमने कहा कि देखो साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। जहां तक कोसेक थीटा का सवाल है, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा, तो हमने इसको क्या कह दिया एच बाई पी कह दिया, यहां पर हमने क्या कह दिया एच बाई बी कह दिया, और कॉट थीटा को क्या कह दिया वी हैव टोल्ड पी बाई बी, मतलब क्या कर दिया उसको रिवर्स कर दिया। तो ये साइन कॉस टैन और उसका रिवर्स क्या होता है कोसेक सेकेंड कॉट, तो अगर वो रिवर्स हमने कर दिया तो एक बात स्पष्ट हो गई कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा। तो हमने एक नया चीज निकाल लिया जो खूब यूज होगा, याद रखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। दूसरा जो यूज होगा वो होगा कोसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, एंड थर्ड वन विल बी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, ये खूब यूज होगा जहां देखेंगे। अब एक बड़ा हम सामान्य प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भाई वो तो ठीक है लेकिन सर आपने छह ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों लिया है। देखिए सब मिला के जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वो एक एंगल है, लेकिन हमने क्या किया है तीन साइड्स को लिया है, तीन साइड्स को ही हम तीन साइड से ही खेल रहे हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, अपने पी बी एच है, हम उसी से खेल रहे हैं। तो अगर तीन साइड में से दो दो को लेके आप अरेंज करना शुरू कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आप अरेंज करके देखिएगा। अगर आपने कह दिया कि भाई हमने बी और पी कह दिया, फिर पी और बी कह देंगे, अगर बी और एच कहेंगे तो एच एंड, और इस तरह से पी और एच करेंगे तो एच और पी हो, सब मिला करके आप इसको छह तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। आप जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको परमुटेशन में बताया जाएगा कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर बीइंग अरेंज देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू थ्री पी टू। देखिये मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं क्या लिख रहा हूं, लिख रहा हूं 3P2, तीन में से दो को लेके जब अरेंज करते हैं, और यहां के लिए सिर्फ इतना ही मान लीजिए कि इसकी वैल्यू होती है 3 × 2, बस इतना समझ लीजिए, और बाकी जब हम उस लेशन में पहुंचेंगे जब परमुटेशन की बात करेंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। अच्छा आप कह सकते हैं कि सर वो तो ठीक है तीन में से दो लेना है, अगर हमारे पास हम एक नया ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं, सर हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं हम क्वाड्रिमेट्री भी हम चाहते हैं कि आप क्रिटिकली सोचिए, हम पेंटामेट्री शुरू करना चाहते हैं क्वाड्रिमेट्री शुरू कर, अगर आप क्वाड्रिमेट्री शुरू करना चाहते हैं तो क्वाड्रिलेटरल लीजिएगा, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं चार होते हैं, वहां रेशियो कितना होगा चार में से जब दो को लीजिएगा तो बहरहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए वो क्या होगा 4P2, और ये फॉर्मूला होता है 4 × 3, कितना क्वाड्रिमेट्रिक रेशियो एकदम नया शब्द है कहीं किताब में नहीं दिया है, कितना क्वाड्रिमेट्रिक रेशियो आ जाएगा 4 × 3 दैट इज कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये परमुटेशन में पढ़ेंगे। आप कहते हैं सर मेरे पास 5 है, हमने पेंटागन में हमको एक पेंटामेट्री शुरू करना है तो 5P2, तो 5P2 में कितना होगा 5 × 4, याद रखिए अगर आप कहते हैं कि 5P2 है तो क्या लिखेंगे 5 × 4, अगर 5P3 करना होता तो क्या लिखते 5 × 4 × 3, जितना नीचे वाला रहता है ऊपर से उतना ही घट जाना है, अभी बहरहाल यहां के लिए इतना ही काफी है। तो हमने क्या क्या देख लिया,
हमने ये कहा कि हमारे पास सब मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन है मैंने आपको बता दिया, इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है वो हमने बता दिया। हमने ये बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। क्यों 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से दो दो को लेकर अरेंज करना शुरू कर देंगे तो उस केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। एक बात बहुत ध्यान से आपको जानने की है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसका इतना यूज है कि आप जब कैलकुलस में जाएंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो जहां जाइएगा वहां है। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा मैथ्स का क्लासेस वाली क्लास 12 का जिसमें इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी न किसी से मुलाकात ना हो जाए, वो रहेगा ही रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। So it's because of its usefulness and applicability, it is very important and that is why I am trying my best to take up all the basic things. आपका समय जो 2-3 मिनट 4 मिनट लगेगा, आपको कोई भी difficulty होती है comment box में लिखिए and we will try to reply whatever questions you have. Now we'll take up some examples and I'll love to take some examples from NCERT, the latest edition. See, the very first question, what I am going to take up is exercise 8.1, question number 1. What is the question? Question goes this way, that in triangle ABC, right angle at angle B, AB is 24 cm, BC is 7 cm, determine sin A, cos A, sin C and cos C. This triangle I have made, ABC is a triangle 24 cm and 7 cm. Now the question is, if you want to find the value of sin A, cos A or whatever you want to get, you should have all the three sides. This is a right angle triangle. It's given that angle B is a right angle. That is, this is 90 degrees. So naturally, AC is the hypotenuse. I have already mentioned that by Pythagoras theorem, AC square should be equal to AB square plus BC square. Now let's suppose if you have to find AB square, then you can always say AC square minus BC square. जो खेलना आपको इसी में खेलना है भाई, कहता है AC square equal to AB square plus BC square। कोई पूछता है अगर BC square निकालना होगा तो AB को उधर ले जाओ ना, लेफ्ट में चले जाओ तो क्या होगा, BC square equal to AC square minus, अगर AB square चाहिए तो AC square minus BC square। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, यू पुट द वैल्यू 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर इट बिकम्स 625, AC is equal to under root 625, that is 25. हम आपको सजेस्ट करेंगे कि स्क्वायर्स, बेसिकली मोस्ट ऑफ द नंबर्स के स्क्वायर्स करीब 25-30 तक तो आपको याद रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत इसका आनंद मिलता है और इसका फायदा होता है अगर स्क्वायर पता होता है, नहीं तो बैठ बैठ के वहां पर उसी में खिच 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 करेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। बट इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर देन स्ट्रेट वे यू गो, अदरवाइज 625 नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग 5 then 5 then 120, देयर इज नो यूज। आई रिकमेंड दैट यू शुड लर्न द स्क्वायर अप टू 30, किसका कितना स्क्वायर होता है आप याद कर लीजिए, देखिए धड़ाधड़ धड़ा हो जाएगा। तो आपने कहा एसी का मान 25, सिंस एवरीथिंग इज गिवन इन 24 दैट इज सेंटीमीटर, सो वी हैव रिटन एसी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ इफ यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स देन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। जस्ट सी, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, ए एंगल ए इज हियर, सो इफ दिस एंगल इज टेकन हियर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज hypotenuse. So what is the value of sin A? Sin A should be equal to perpendicular by hypotenuse. So what is that? It is 7 by 25. Very simple. The question is, what happened to C? Centimeter got, because in ratio you don't have to put any unit. Now if you want to go for what? Cos A. If you want to go for cos A, what is the value of, what is the formula for cos A? Cos A is equal to base by hypotenuse. What is the base here? It is equal to 24 divided by 25. So this is the value of cos A.
But there is a very interesting question. In the second one, they have asked what is the value of sine C. Remember, not sine A, now sine C. So if this is the angle, remember, this becomes base, this becomes what? This becomes perpendicular and this is hypotenuse. So if you take this one into consideration, C, then the side included between the angle taken into consideration and 90 degree will be taken as base. So this becomes base, opposite, perpendicular, and this one is hypotenuse. So what is the value of sine C? Sine C is equal to how much? It is 24 divided by 25. And if you want to go for cos C, then cos C is equal to just C. Cos C, it is base by hypotenuse. Base by hypotenuse means what? It is 7 divided by 25. I hope it is clear. Now we see the another question from the same exercise. Exercise 8.1, question number 5. NCERT class 10. Given sec theta is equal to 13 by 12, then find all the trigonometric ratios. You are given sec theta. Now we are going to make a triangle ABC. This is angle theta, this is 90 degree. 13 by 12 means what? 13 means 13 by 12, but it's sec theta. Sec theta means hypotenuse divided by base. So this is 13 and this is 12. Now you must be thinking, sir, why have you taken K? Remember, 13 by 12 is a ratio. We don't know exact length of AC and BC. That is why we have written K. Whatever will happen, it will go like that. You can have a small triangle, bigger triangle. The ratio should always remember. Let's remain 13 by 12. That is why I have written K there. Now, by Pythagoras theorem, in triangle ABC, just see, in triangle ABC, by Pythagoras theorem, what is the value of AB square? I have told in the previous question, straightway you can write, this is equal to AC square minus BC square, because AB square plus BC square is equal to AC square. So we can always have what? AB square is equal to AC square minus BC square, that is 13K square minus 12K square, that is equal to 169K square minus 144K square, that is equal to 25K square, that is AB square. This implies that AB is equal to under root 25K square, which is equal to 5K. Means this one is equal to 5K. Remember, when you are finding square root, you write plus minus. But since this is the length of the side, ये side की लंबाई है, इसलिए आपको सिर्फ positive लेना है, length of. तो अब आपके पास तीन side हो गया, सब हथियार मिल गया, अब कुछ करने ही नहीं है. अब कोई पूछता है कि साहब trigonometric ratio, तो sec को छोड़ करके जो भी आपके पास बनता है, कहाँ से start करेंगे? हम कह रहे हैं सर हमारे पास sine theta की value, तो sine theta equal to क्या होता है? Perpendicular by hypotenuse. हमने क्या लिख दिया? It is 5k by 13k is equal to 5 by 13 sin theta हो गया. cosec theta की कोई करने की बात नहीं है. क्यों? एक लगाया और दूसरा फाया. cosec theta is equal to 1 by sin theta, that is 13 by 5. Now if you want to go for tan theta is equal to how much? Perpendicular by base. What is perpendicular? It is 5k divided by 12k, that is 5 by 12. And if you have got tan theta, then जो मैंने बताया था, एक लगाया और या एक के साथ एक free हो गया. Cot theta is equal to 1 by tan theta, that is equal to 12 by 5. Cos theta की value जैसा sec theta है, उल्टा कर दीजिए निकल जाएगा. In this way you can find the trigonometric ratios if you are able to find what? The sides of the triangle of a right angle triangle.
Now we are going to take up one more question from the same exercise, that is exercise 8.1, question number 9. I will take both the questions, first and second. This is given that if tan A is equal to 1 by root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and the second one is cos A cos C minus sin A sin C. Now just see, you are given tan A. Tan A means at first we make a triangle. We take up the acute angle as angle A. In triangle ABC, this is angle B, this is C. You can have APM, whatever you want, but A should must be there. Now what is tan A given? Tan A is equal to how much? 1 by root 3. Means perpendicular is 1 and base is root 3. So you can always have 1k by root 3k. Ratio is complete. We say this is k and this is k. Now what is our aim? What exactly we want to do? Every time we want to find the third side. भाई पर ट्रायंगल का तीनों साइड हम ले करके अपने पास निकाल के रख लेते हैं, तो फिर वही हम करते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज देयर, व्हाट इज लेफ्ट देयर, ए सी. सो यू कैन से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर, which is equal to 3k square plus k square, that is 4k square. This implies that AC is equal to how much? This is under root 2. This is equal to how much? 2k. Means this one is equal to 2k. We have got the value of the third side. Ab kuch nahi karna hai. Jo maine aapko bataya tha, therefore what is the value of sin A? कैसे निकालते हैं? Sin A is equal to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse means what? That is, you can have BC upon AC, that is 1K by 2K, that is equal to 1 by 2. If you want to find the value of cos C, what is the value of cos C? Remember, if you go for cos C, then this becomes base. This is perpendicular and this is hypotenuse. So what is the value of cos C? Cos C is equal to, it is BC by AC. Sin A and cos C. Cos C means what? Base by hypotenuse. जो ही आप इस एंगल को लेते हैं, ये दोनों, ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है. और cos का फॉर्मूला क्या है? बेस by hypotenuse. तो हमने कह दिया this one is equal to 1k by 2k, that is equal to 1 by 2. तो आपने sin A निकाल लिया, cos A निकाल लिया. अब कहते हैं साहब, cos A निकालना है. अब देखिए ना, cos A निकालने के लिए फिर हम वहीं पर आ गए. cos A मतलब क्या हुआ? Base by hypotenuse. तो base by hypotenuse का मान क्या होगा? That is AB by AC, that is root 3k by 2k, that is equal to how much? Root 3 by 2. And the last one is sin C. देखिए घुमा घुमा के आपको वही कर रहा है, कभी A पर कभी C पर, कभी A पर कभी वो स्विंग करा रहा है कि बेटा उधर जाओ, उधर क्रिकेट हो रहा है. तो भाई कहता पहले cos A कर दिया, फिर उधर कर रहा कि अब जरा बताइए तो sin C. Sin C मतलब क्या हुआ? This is taken into consideration. जो ये एंगल कंसिडर कर लेंगे, फिर ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? ये hypotenuse हो गया, और ये क्या, सॉरी, ये क्या है? बेस हो गया, ये perpendicular है, ये अगर हम C को लेते हैं, तो अगर हमें sin C चाहिए, तो फिर वही हम कहते हैं perpendicular by hypotenuse. Perpendicular by hypotenuse means what? It is AB by AC, that is root 3K by 2K is equal to root 3 by 2. अब बोलते हैं कि साहब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? रख दो, सब कुछ सस्ते सस्ते में निकल गया. कहता है कि भाई इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी, तो हम कहते हैं भाई यहां पर हो जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 plus root 3 by 2 into root 3 by 2, that is equal to how much? It is 4 by 4 is equal to 1.
क्या हो गया, 1 हो गया. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 थी, दूसरे वाले की वैल्यू 1/2 थी, √3 × √3 3/4, सो 3 + 1 = 4/4 = 1. अभी तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए, आप जब एंगल सीखना शुरू कर देंगे, जैसे साइन की बात आपने कह दिया कि साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन ए की वैल्यू जरा सोच के देखिएगा, साइन ए की वैल्यू होती है हमने कहा 1/2. हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी ए का मान 30 डिग्री है. ए का मान अगर 30 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा. तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री आपसे कह रहा है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी. तो क्लास 11 में आपको पढ़ना है इसकी वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी कॉस ए का साइन बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी. तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस सी. और साइन ए प्लस सी का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 1. कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीजें आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जरा क्लास 10 को रिफ्रेश कर रहे हैं, या यूं कहिए कि क्लास 10 में जितना आपने गड्ढा खोदा है या तो उसको भर लेते हैं, या क्लास 10 का जितना पाप कर्म है उसको पहले धो लेते हैं गंगा स्नान, अच्छा कह सकते हैं उसको गंगा जल वगैरह छिड़क करके. तो अभी हम वही कर रहे हैं, अभी छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उसको भर रहे हैं, या क्लास 10 में अगर आपने नहीं किया था. अब प्रश्न ये है कि एक्सरसाइज 8.1 में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप जब इसको वीडियो को देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन हम दे दें, और नहीं तो फिर हम अगली बार उसको एक्सप्लेन, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू. और हम कोशिश करेंगे कि आपका जवाब जो है, आप अगर ईमेल आईडी दे देंगे तो हम उसमें भी डाल देंगे. थैंक यू.